अवर टूडेज टॉपिक की सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसका जो 8th एडिशन अभी जारी किया गया है 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यहाँ पर देखेंगे आप जो है 4,447 शहरों को इसमें आकलन किया गया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो इस पहले रैंक पे जो जाएगा 10 लाख की जो रैंकिंग है, मतलब 1 लाख से अधिक जो जनसंख्या श्रेणी में जो लोग जो शहर आते हैं उनकी रैंकिंग देखेंगे तो सबसे पहले इंदौर, एमपी का सूरत और नवी मुंबई, तीन आप याद कर लेंगे काम हो जाएगा। इंदौर और सूरत, नवी मुंबई, तीन को ऐड किया गया 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में। नेक्स्ट जो है 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में तो ये सासवड़ महाराष्ट्र का हो जाएगा और पाटन जो है छत्तीसगढ़ का, ये दोनों जो है 1 लाख से कम की जनसंख्या श्रेणी में है। नेक्स्ट देखेंगे हम ये दो जो है शीर्ष 5 जो सबसे पूरी ओवरऑल रैंकिंग में जो सबसे आगे है तो महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना। नेक्स्ट है इसमें बताएगा 27 राज्यों में से जो अब उत्तर प्रदेश स्पेशल है तो यूपी का जो स्थान है वो 9th है और बिहार का 15वां स्थान है इसमें रिपोर्ट में, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में। इसमें गंगा शहर को भी अलग से नामित किया गया है तो इसमें पहले रैंक पर वाराणसी आ जाएगा, फिर प्रयागराज, बिजनौर, फिर उसके बाद हरिद्वार और उसके कन्नौज। सबसे स्वच्छ छावनी किसको बताया गया तो मऊ, एमपी की जो छावनी है सबसे स्वच्छ छावनी है। उसके बाद 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश में केवल जो है 14 स्थान पर है। इसी के तहत कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग में नोएडा है जो इसको रेटिंग मिला है। नेक्स्ट पुरस्कार समारोह में एक जो भारत स्वच्छ मिशन के लिए गीत को नामित किया गया जो है नया संकल्प है नया प्रकल्प है, ये गाया किसने, गायक कैलाश खेर ने। थैंक यू। ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब